नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कहानी लेखन। कहानी का विषय है बंदर और मगरमच्छ। कहानी का क्या विषय है? बंदर और मगरमच्छ। या फिर आपके पेपर में आ सकता है कि चित्र देखकर कहानी लिखिए, यानी कि आपको चित्र देखना है और इसके ऊपर कहानी लिखना है। इससे संबंधित प्रश्न कक्षा चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं की कक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और नोट भी करना चाहिए। तो हम कहानी देखते हैं बंदर और मगरमच्छ की। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी जगह नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन बंदर पके हुए जामुन तोड़कर खा रहा था। उसी समय मगरमच्छ नदी के किनारे आ गया, है ना? उसी समय मगरमच्छ नदी किनारे आ गया। बंदर ने उसे कुछ जामुन खाने को दी। जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत ही खुश हुआ। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में क्या हो गई? मित्रता हो गई। एक दिन, यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है आपको, एक दिन बंदर से कुछ जामुन लेकर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को दिए तथा बंदर की बहुत तारीफ की कि मेरा एक मित्र है जो मुझे मीठे मीठे जामुन खिलाता है, बहुत ही अच्छा है वो। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, ठीक है ना? मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर आने को आमंत्रित किया कि भैया आज भाभी जी ने तुम्हें बुलाया है खाने पर, तो नोता है तुम्हारा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की धारा में मगरमच्छ के घर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ को दुखी देखकर जब बंदर ने उसका कारण पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तो मगरमच्छ ने सारी बात सच सच बता दी। बंदर बहुत चालाक था, उसने कहा, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही रखाया हूँ, यानी कि ओहो, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि भाभी ने मुझे इनवाइट किया है, ठीक है ना, कि कलेजा खाना चाहती हूँ, कलेजा तो मैं असल में पेड़ पर ही छोड़ाया, ठीक है ना, चलो उसको ले आते हैं। मगरमच्छ ने बंदर को पेड़ के पास पहुंचा दिया। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कलेजा पेड़ पर नहीं रखा जा सकता? अब तू यहाँ से चला जा, मैं अब तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है, तो ये शिक्षा अवश्य लिख कर आए आप। हमें कपटी मित्र से सावधान रहना चाहिए। इन दोनों में कपटी मित्र कौन सा था? मगरमच्छ। धन्यवाद दोस्तों।